आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी हलीम की रेसिपी, जिसे बहुत सारे लोग दलीम के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है। हैदराबाद में इस हलीम को स्पेशली रमज़ान में सहरी के लिए तैयार किया जाता है। इस हलीम को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पहले से बुकिंग भी करते हैं वहाँ पर। तो इस हलीम को हम बनाएंगे मटन में, तो अगर आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो पाए और आप ये शानदार सा हलीम बना पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल द क्यूजिन क्लाउड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले घाट। ये गेहूँ है, गेहूँ की घाट जिसे बाड़ले भी कहते हैं। ये मैंने लिया है 250 ग्राम और जिसको मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। भिगो कर रखने में ये पकाने में जल्दी से पक जाता है और ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। हलीम के लिए हमें कुछ दालें भी चाहिए जिसे मैंने इस स्पून से नाप कर लिया है। सारी दालों को मैंने 2-2 टेबल स्पून लिया है, जिसमें ली है मैंने उड़द की दाल, मूँग की दाल, 1/4 कप चने की दाल, 2 टेबल स्पून चावल, 2 टेबल स्पून अरहर की दाल और 2 टेबल स्पून मसूर की दाल। सभी दालों की क्वांटिटी बराबर रखेंगे, सिर्फ चने की दाल हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर मटन, जिसमें मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस मटन और इसके अंदर मैंने डाली है 1/2 कप दही। इसको हमें मैरिनेट करना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। मैंने यहाँ पर 3 प्याज ली हैं जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है और उसकी आधी क्वांटिटी मैं इसमें डालूंगी और आधी हम बचा कर रखेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो बाकी की प्याज को हम एक साइड में रख देंगे अभी। अब इसके लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप के करीब पुदीना, 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो इनको हम साबुत ही डाल देंगे, हमें ज़्यादा इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अगर हो सके तो हाथों की मदद से कीजिएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 1/2 घंटे के लिए। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा कुकर, जिसके अंदर हमने घाट को डालना है जिसे हमने पहले से भिगो कर रखा था, साथ ही दालों को भी धोकर डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है जितने में हमारा ये गल जाए। 1/2 कप पुदीना और 1/2 टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे 1 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। ये हमारा वही तेल है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इसके अंदर हम काजू को फ्राई करेंगे। तो 1/2 कप काजू लिए हैं, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो जलाना नहीं है हमें, इसको फ्राई करके हमें एक साइड में निकाल कर रख देना है। उसी तेल को हमने एक कुकर में ट्रांसफ़र किया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये मटन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो टोटल 1 कप तेल का मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी भी सूख गया है, हाई फ्लेम पर कुक करेंगे इस वक्त हम इसे। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 ग्लास पानी यानी कि 400 ml के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हमें गलाना है कम से कम 1 घंटे तक लो फ्लेम पर, जब तक कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल नहीं जाता है। तो 1 घंटे के बाद देखिए घाट हमारी पककर तैयार हो चुकी है। इसको हम चेक करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से गल भी चुकी है। हमारी सारी दालें और गेहूँ अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक भगोने में और एक मैशर की मदद से हम इसको मैश करेंगे। अगर आप इस तरह से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सी में भी मैश कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़े से चंक्स भी रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। जितना अच्छे से ये मैश होगा इतना ही ये अच्छा बनकर तैयार होगा। इधर 1 घंटा हो चुका है हमारे मटन को पकते हुए, तो ये 1 घंटे के बाद अच्छी तरह से पक जाएगा और इसका एक एक रेशा रेशा अलग भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुका है, अगर इस तरह से हम दबाते हैं तो ये अच्छी तरह से टूट जाएगा। अब जो बादाम थे, 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, उसका पाउडर हमें इस मटन में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है, जब तक कि इसका पानी जो है
कम नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और उसके ऊपर तेल भी आ गया है, तो जितना भी ये ऊपर से तेल है हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे इसी हलीम के ऊपर। अब इसको भी हम मैश करेंगे। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है और एक एक रेशा रेशा अलग हो गया है। इधर हमने जो घाट को हमने मैश किया था उसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। जितनी अच्छी तरह से ये गला हुआ होगा इतने ही अच्छा हमारा हलीम बनकर तैयार होता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास पानी का यूज़ किया है अभी फ़िलहाल के लिए और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च 10 से 15 बारीक कटी हुई और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करते जाना है। इसको हमें लो फ्लेम पर कुक करना है इस वक्त। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है तो इसलिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। अब 1 कप पानी हम और डाल देंगे क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। और इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप देसी घी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो जितने अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और चलाते जाएंगे इतना ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह का ये होना चाहिए। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस हलीम की यही खासियत है जो ये आपको इस तरह से लचीलापन नज़र आ रहा होगा जैसे कि मैं अभी स्पून से आपको डालकर भी दिखा रही हूँ, तो यही इसकी खासियत है। अगर ये इस तरह का बना है तो समझ लीजिएगा आपका हलीम बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे प्याज से जो हमने पहले से बचा कर रखी थी। इसके ऊपर से कुछ हम जिंजर जूलियन भी डाल देंगे यानी कि अदरक, ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे और ऊपर से जो हमने काजू फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और जो हमने तेल को पहले से निकाल कर रखा था वो उसके ऊपर से तेल डाल देंगे। इसी तरह से ये हलीम बनकर बहुत ही परफेक्टली तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हैदराबाद के हलीम की यही खासियत है जो कि ये इस तरह से लचीलापन होता है और ये रेशा रेशा होता है, तो इसे रेशेदार हलीम भी कहा जाता है। जब आप इस हलीम को सर्व करें तो थोड़े से चाट मसाले और नींबू के साथ सर्व कीजिएगा, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है आपको एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।